इसी शुक्रवार यानी 1 जुलाई को फिल्मी दुनिया को एक और एक्शन हीरो मिल सकता है। वैसे तो आदित्य रॉय कपूर ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी नई फिल्म राष्ट्रीय कवच ओम आज रिलीज हो गई है। एक्शन से भरपूर ये फिल्म उनकी किस्मत बदलती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस फिल्म में एक और किरदार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, और वो हैं जैकी श्रॉफ, जो फिल्म में वैज्ञानिक बने हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ के किरदार की अलग कहानी है, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। राष्ट्रीय कवच ओम एक एक्शन मूवी है, जिसमें आदित्य रॉय कपूर पैरा कमांडो के किरदार में हैं। फिल्म में अभिनेता का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। साथ ही फिल्म की कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट जैकी श्रॉफ के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो अचानक लापता हो जाता है। इसी साइंटिस्ट की तलाश का जिम्मा आदित्य रॉय कपूर को मिलता है। फिल्म की कहानी में मोड़ तब आता है जब वैज्ञानिक को देशद्रोही समझ लिया जाता है। जब आदित्य रॉय कपूर जैकी श्रॉफ की तलाश में किन किन दिक्कतों से जूझते हैं, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म राष्ट्रीय कवच ओम का निर्देशन कपिल शर्मा ने किया है, जिसका नाम पहले ओम द बैटल विद इन था, लेकिन रिलीज से चंद दिन पहले फिल्म का नाम बदल दिया गया। इस फिल्म में आदित्य राय कपूर, संजना सांघी, आशुतोष राणा, प्रकाश राज, प्राची सहा और जैकी श्रॉफ मुख्य किरदार निभा रहे हैं। जैकी श्रॉफ ने देव राठौड़ का किरदार निभाया है, जो एक वैज्ञानिक है। वह सरकार के साथ मिलकर एक मिशन पर काम कर रहा है, लेकिन उसके अचानक लापता होने की खबर से हर तरफ हंगामा मच जाता है। फिल्म की शुरुआत में बेशक उनके अपहरण की बात कही जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये मामला देशद्रोह तक पहुँच जाता है और फिर देश की एजेंसियाँ उसकी तलाश में लग जाती हैं। जैकी श्रॉफ का किरदार कुछ हद तक इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नामबी नारायण की याद दिला देता है, जिस पर आधारित फिल्म रॉकेटरी द नामबी इफेक्ट भी आज ही के दिन यानी 1 जुलाई को रिलीज हुई है। आप हमारे चैनल पर उसका रिव्यू देख सकते हैं, जहां रॉकेटरी द नामबी इफेक्ट एक बायोपिक है और सच्ची घटनाओं को दिखाती है, वहीं ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है। दोनों ही फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे एक वैज्ञानिक झूठे आरोपों की वजह से देश की एजेंसियों के निशाने पर आ जाता है और उन्हें एक झटके में देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। ओवरऑल फिल्म बेहतरीन बनी है और फिल्म रोमांच पैदा करती है। दमदार एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलते हैं, अच्छी सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को और बेहतर बना देती है। जैकी को देखकर आपको खूब मजा आने वाला है। बाकी सभी कलाकारों ने भी काफ़ी उम्दा काम किया है। अब देखना यह है कि रॉकेटरी और राष्ट्रीय कवच ओम में से बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बड़ी साबित होगी। दोनों फिल्मों को देखकर पलड़ा तो रॉकेटरी का भारी लग रहा है। खैर, दोनों ही फिल्म अच्छी हैं और आई डोंट नो दोनों फिल्मों के मेकर्स ने रिलीज डेट आगे पीछे क्यों नहीं की। खैर, वीडियो पर अपनी राय जरूर दें और इसी तरह के दमदार कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।